हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म, जब ये दोनों टॉपिक मिल जाते हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अभी पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जब वो कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद चलेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में आगे। उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए, पार्ट वन है। मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक लेसन है। अगर आपको आता है तो आपको इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने शायद 11th 12th में पढ़ा होगा चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्जिंग कैसे होती है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको बताया जाएगा कूलॉम्स लॉ क्या होता है, उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, स्केलर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, फेराडेज लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। तो चलिए, अभी जो आज का लेक्चर हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बारे में पहले डिस्कशन कुछ कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, होता क्या है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स व्हेन अ बॉडी डज नॉट मूव, मतलब कि बॉडी जब रेस्ट पर होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक। एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स में आपका चार्ज होता है, आपको सभी को पता है। चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। पहला पॉइंट आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज़ पॉजिटिव एंड अनदर इज़ नेगेटिव। और देखिए, आप सबको पता है, जब भी दो सेम चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, दे रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब अपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज, तो जो SI यूनिट है चार्ज की वो है कूलॉम्ब, और इसको कहीं कहीं डिनोट किया जाता है सभी जगह, मतलब कि कहीं कहीं नहीं सभी जगह, कैपिटल C से। अब आपको सबको पता है प्रोटॉन्स में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम्ब। इलेक्ट्रॉन्स में इतना ही चार्ज होता है बट नेगेटिव वैल्यू होती है, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम्ब। पहली चीज़, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दूसरा यूनिट ऑफ चार्ज। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा, चार्ज इज़ कंजर्व्ड। व्हाट डज इट मीन चार्ज इज़ कंजर्व्ड? देखिए, ये सब SC वर्मा में दिया गया है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। SC वर्मा में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, चार्ज इज़ कंजर्व्ड। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, चार्ज इज़ कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, आपको पता है कोई भी सिस्टम होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें जो भी आपको हमें पता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते, उसके अंदर एटम्स हो सकते हैं। एटम्स में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी नो दैट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। सो वी कैन से दैट देयर आर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सिस्टम रिमेन्स सेम, और यू कैन से इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जब वो कॉन्स्टेंट होंगे तो क्या होगा, जो चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हैं, प्रोटॉन्स कांस्टेंट हैं, तो जो चार्ज होगा वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है द चार्ज इज़ कंजर्व्ड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब होता है, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, देखिए आपको पता है एक प्रोटॉन में
कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। दो प्रोटॉन 3.2 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। तीन प्रोटॉन 4.8 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। चार प्रोटॉन 6.4 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। सो हम यहाँ पर साफ साफ बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अ चार्ज लेसर देन 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। मतलब कि इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। अब अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो क्या होता है, इफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली चार्जेस कैरियर्स इन यूनिवर्स, सो ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर ये सारे जो है इंटीग्रल मल्टीपल है। टू प्रोटॉन्स मतलब कि 1.6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब अगर सपोज हम बोल सकते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स n1 प्रोटॉन्स एंड n2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी ऑब्जेक्ट में n1 प्रोटॉन्स हैं और n2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमसे पूछा जाता है जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज क्या होगा। तो नेट चार्ज आपका क्या होगा, n1 प्रोटॉन्स में चार्ज कितना हो, प्लस का 1.6 इंटू 10 to the power -19। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये, n1 क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, n2 क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि क्या है, आपने जो चार्जेस है 1.6 इंटू 10 to the power -19, इसमें आपने n1 का मल्टीप्लाई किया, मतलब कि क्या है, आपने इंटीग्रल जो वैल्यू है इंटीजर्स है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस n2 माइनस का 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। सो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। तो इसका कहने का मतलब यही है, जितने भी चार्जेस होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, वो सारे क्या होते हैं, एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है उनका, किससे होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19। यानी कि कोई भी हो, सपोज आप बोल देंगे 24 चार प्रोटॉन्स हैं, तो कितना चार्ज होगा, 24 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। अब बात आती है एक, ये तो हो गया हमारा, अब इसके बाद बात आती है चार्जलेस क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन चार्जलेस एंड न्यूट्रल। देखिए सपोज एक ऑब्जेक्ट है उसमें दो न्यूट्रॉन है, और इधर एक ऑब्जेक्ट है दूसरा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल है ये, या फिर हम बोल सकते हैं चार्जलेस है। इसको भी हम बोल सकते हैं न्यूट्रल है, बिकॉज टोटल जो चार्ज है हमारा वो कितना है, वो जीरो हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको भी हम बोल सकते हैं न्यूट्रल है, बट इसको हम चार्जलेस नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी चार्जेस है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और एक प्रोटॉन का चार्ज है, एक की पॉजिटिव वैल्यू एक की निगेटिव वैल्यू, तो इसको हम चार्जलेस नहीं बोल सकते हैं, इसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं और चार्जलेस भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए ये हो गई बात चार्जलेस की और न्यूट्रल्स की। अब देखिए अब बात करते हैं कि चार्जिंग क्या होती है, वॉट इज़ चार्जिंग, या आप बोल सकते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी क्या होती है। देखिए अगर हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, दो तरह से हो सकता है चार्जिंग क्या होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है और एक दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज है मतलब कि क्या है, कि सपोज मान लीजिए कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन तो नहीं ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, सपोज ये पेन है एक, ये आपका एक पेन है और इसको हम बोलते हैं कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। तो अगर हमें बोला जाता है इसको हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, जब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज में क्या होगा, इसका मतलब है इसमें निगेटिव चार्ज है तो मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। और अगर हमसे बोला जाता है इसको निगेटिवली हमें चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हम डाल देते हैं। अब ये कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डालते कहते हैं, ये सब अभी चीज़ें आगे समझेंगे। तो जब यहाँ पर क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस है निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम बोल देंगे इसको कि ये निगेटिवली चार्ज है। अब देखिए इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। और शायद आपने पढ़ा होगा चार्जिंग मेथड क्या क्या होता है। कंडक्टर्स में दो तरह से चार्ज किया जाता है, एक होता है बाई कॉन्टैक्ट होता है और एक आपका होता है बाई इंडक्शन। और ऐसे ही इंसुलेटर्स होता है, इंसुलेटर में चार्जिंग का क्या मेथड होता है, इंसुलेटर में चार्जिंग का मेथड होता है बाई रबिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बता देता हूँ कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। देखिए सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ऑब्जेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं। सपोज़ मैं लेता हूँ एक ये एटम है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है ये। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स के चारों तरफ एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये यहाँ पर हमारा प्रोटॉन है, ये मैंने मान लिया यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये प्रोटॉन्स के चारों तरफ एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। मूव जो करते हैं किस वजह से करते हैं, वो करते हैं अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को बांध के रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में मूव करता रहता है। तो जो कंडक्टर होता है हमारा, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होता है ये हमारा वीक होता है, अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री हो जाते हैं, बाहर मूव करने लगते हैं, ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। इसी को बोला जाता है कंडक्टर, जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, उसको बोला जाता है कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है, ये सब बहुत बेसिक टर्म्स हैं, आपने 11-12 में पढ़े होंगे। इंसुलेटर में क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, इंसुलेटर में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। इस वजह से क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बांध के रखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट से बाहर मूव नहीं कर पाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है, वो सिर्फ ऑर्बिट में ही रहता है, वो अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब यहाँ पर बात आती है चार्जिंग ऑफ कंडक्टर और चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर। अब ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, शायद आपने पढ़ा होगा 11th और 12th में। बस आपको बता देता हूँ, एक इसको कॉन्टैक्ट, बाई कॉन्टैक्ट एक मेथड होता है, दूसरा होता है बाई इंडक्शन। बाई कॉन्टैक्ट में क्या होता है, सिर्फ सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है, इसको चार्ज करना है कंडक्टर, इसको चार्ज करना, हम क्या करते हैं एक और ऑब्जेक्ट ले आते हैं, उसमें सपोज़ हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होता है, जब हम कांटेक्ट करते हैं, मतलब कि इनको दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब कि टच करते हैं, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करने लगता है, यहाँ से निकल के इधर चला जाता है। मतलब कि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कंडक्टर में जो होता है, कंडक्टर में चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करता है, लेकिन इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं करता है। ये और इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जब चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चला जाता है। तो जब इधर आ जाता है तो क्या बोल देते हैं इसको हम, कि भैया इधर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स से, तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। इसी तरह से होती है चार्जिंग। और क्या होता है, कभी कभी इसको हम कॉन्टैक्ट में लाए, सपोज़ एक ये रॉड है या कुछ भी ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है,
दोनों को टच किया तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करने लगते हैं, मतलब कि दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। तो जब सपोज ये एक स्फीयर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, अब जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में कम हो जाते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो हम बोल देते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर में क्या होता है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लाते हैं, इन दोनों को रब किया जाता है तो क्या होता है, जो चार्जेज होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं, इधर से इधर चले जाते हैं, इधर से इधर चले जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बाई रबिंग मैथड। ये सब बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आपको आइडिया देना था कि किस तरह से होता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या है, और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना था कि बस होता क्या है, चार्जिंग कैसे होती है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, और चार्ज की यूनिट क्या होती है। एकदम बेसिक चैप्टर है। इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके न्यूमेरिकल्स। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।